हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है दीपाली कौल। इमरामा टैरो में आपका स्वागत है। ये जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर टू 25th ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 16 टू 25th। क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? डेथ, सेवन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेवन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस हमारे पास दो सेवन है, तो सेवन नंबर आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। या तो सेवेंथ को आपका बर्थडे आता है, या फिर 777, 777, 4 times 7 आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपको दिख सकता है, या फिर अभी करंट एनर्जीज हो सकती हैं आपकी। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको 777, 4 times 7, 3 times 7 ये कुछ दिख रहा है तो। अब देखिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए हमारे पास है कार्ड डेथ। डेथ होता है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अब मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, नेक्स्ट 10 डेज में ना आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर ट्रांजिशन आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, कोई चेंज आ सकता है, जिससे स्लाइटली जो अभी बैलेंस बना हुआ है आपकी लाइफ में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बट इसमें कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, ठीक है, लाइक अच्छी चीज है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कहीं पे घर वगैरह, कहीं पे लोकेशन आपने सेट करके बैठे हुए हैं, कहीं पे काम करते हैं कहीं से, ऑल ऑफ अ सडन आपकी एक हाई पेइंग जॉब लग जाती है बट किसी और लोकेशन में, तो एकदम से आपका बेस हिल जाता है। आपको किसी और लोकेशन में उठ के जाना है, पूरी शिफ्टिंग करनी है, वहां पे घर ढूंढना है, फिर वहां पे डिपॉजिट देना होता है, तो डिपॉजिट इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसा सब कुछ करना पड़ेगा, स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, नई सिटी में नए दोस्त होंगे, थोड़ा सा उथल पुथल हो गई ना जिंदगी में, एक चेंज आ गया लाइफ में, नई लोकेशन, नए दोस्त, नई जगह, नई सिटी, तो वैसा चेंज या कोई भी एक चेंज, बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे पास है सेवन ऑफ कॉइन्स, प्रॉफिट, रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में आएगा, बट इसके बाद, इस चेंज और इस ट्रांजिशन के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, उसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आप कुछ प्रिपेयर कर रहे थे काफी टाइम से, किसी चीज में मेहनत कर रहे थे, एंड फाइनली वो आपको रिटर्न मिल रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। तो डेथ कार्ड से डरिएगा मत, ये चेंज को एक्सेप्ट करिएगा, चेंज में घुल मिल जाइएगा, चेंज से रिजिस्ट मत करिएगा इस चेंज को कि अरे यार नहीं, कौन जाएगा दूसरी सिटी, कौन करेगा ये चीज डिफरेंटली। कंफर्ट जोन से अपने थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिएगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, ये रिटर्न, प्रॉफिट, जो भी ये चीज है, ये आपको नहीं मिलेगा रिवॉर्ड। क्योंकि देखिए यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स कि ये आपको जो रिटर्न रिवॉर्ड मिल रहा है, इसके आगे एक पोटेंशियल है सक्सेसफुल होने का, लाइक पोटेंशियल रखता है ये चीज। तो उस चीज को आप वहीं पे स्टॉप मत कर दीजिएगा कि कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले, तो ना पोटेंशियल रहा, ना सक्सेस रहा, ना रिटर्न रहा, ना रिवॉर्ड रहा, ठीक है। तो वो वाली चीज है सेवन ऑफ वॉन्स। अब यूनिवर्स ना यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज आपको, चाहे वो बहुत जद्दोजहद के बाद मिली हो, मेहनत के बाद मिली हो, बहुत अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, चीजें डिफरेंटली करना, थॉट प्रोसेस को अपने चेंज करना, एक नया इंसान बनने के बाद ये चीजें आपको मिली हैं। आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ा है, बहुत लोगों से अपने रिश्ते तोड़े हैं इस एक चीज को पाने के लिए, इस रिटर्न को पाने के लिए, बट ये मेहनत यहीं पे खत्म नहीं होती है। इस चीज को सस्टेन करने के लिए, इस चीज को आगे बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी। चैलेंजेस दिख रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए चैलेंजेस दिख रहे हैं काफी। मुझे एकदम से लग रहा है आप में से कई लोग शायद पार्क में जाके बैठते हैं, या पार्क में अभी बैठे हुए हैं, या ऐसा कुछ है। वॉक का तो नहीं मुझे दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है पार्क में जाके बैठते हैं आप लोग, बेंच पे या नीचे घास पे, ऐसा कुछ मुझे इंट्यूशन आ रही है। एनीवे, कमिंग बैक टू सेवन ऑफ वॉन्स, तो चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे, चीजें आपको
स्मूद नहीं मिलेंगी, ठीक है। इवन दो आपने वो अचीव कर लिया है जो आपको चाहिए था, बट आगे की जर्नी भी ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल मक्खन की तरह निकल गए, लाइक हो गया सब अचीव, जो करना था हो गया। नहीं, आगे भी थोड़ी सी चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उनके लिए रेडी रहिएगा, मेहनत करने के लिए रेडी रहिएगा, मेहनत से चूकिएगा मत। कई लोग हो सकता है लीगल किसी केस से डील कर रहे हैं, कुछ लीगली इन्वॉल्व हो सकते हैं कहीं पे, वो वाला एंगल भी है यहाँ पे। देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है। मैं कोशिश करती हूँ कि कार्ड्स दिखें, बट पोजीशन ऐसी है कि नहीं हो पाता है। ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। बर्ड फ्लाइंग न्यूज इज ऑन द वे, मैंने आपको बोला एक अच्छी चीज रिटर्न प्रॉफिट आने वाला है जिस चीज का आप वेट कर रहे थे। हो सकता है ये चीज आपको किसी मेल में, नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन बोल चुकी हूँ मैं, डीएम में, या कोई लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैसेज कॉल हो सकता है, बट ये कोई एक आपको खुशखबरी मिलने वाली है। थोड़े टाइम बाद मिलेगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बट एक अच्छी न्यूज मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस इसके लिए। कैस्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज है, ये आपका नेक्स्ट 10 डेज में नहीं हो रहा है, ये आपका कुछ टाइम से चल रहा है, ठीक है। एंड अब फाइनली वो जो एक मेजर उथल पुथल थी लाइफ की, वो शायद खत्म हो जाएगी एंड आपका नया स्टेज, लाइफ का एक नया स्टेज स्टार्ट होगा। तो एक सिचुएशन खत्म हो रही है, हो सकता है कोई इंसान भी आपकी लाइफ से जा रहा हो, परमानेंटली, टेम्परली जैसे भी, बट कोई इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहा है या आप किसी की लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में। हो सकता है एग्जिट का मतलब ऐसा भी हो कि आप लोग वो घर से निकल के किसी और घर में रहने जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसलिए एग्जिट कर रहे हैं, या फिर किसी एक मुश्किल अड़चनों भरी जो सिचुएशन होती है उससे शायद आप एग्जिट कर रहे हैं, वो भी सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए, क्या मैसेजेस हैं टॉरस। यंगर वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, कोई एक इंसान फीमेल हो सकती है जो कि आपसे यंग हो, उनके साथ या तो आप रिलेशनशिप में होंगे या फिर कोई फ्रेंड, सिस्टर, कोई ऐसा हो सकता है आपका, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इंसान, ये नेक्स्ट 10 डेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कोई सलाह दे सकता है आपके लिए, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकता है, कोई चैलेंजेस पैदा कर सकता है, बट ये इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकी थोड़ी सी यहां से थोड़ी सी चौड़ी नाक हो सकती है, थोड़ी नॉर्थ ईस्टर्न फीचर्स हो सकते हैं इनके, बन बनाते हो शायद ये, थोड़े से फ्रिंजेस हो सकते हैं इनके, देखिएगा अगर ये चीज रेजोनेट करती है तो। एस्ट्रल हाउस में से क्या है हमारे पास टॉरस के लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। मैरिज, देखिए जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनकी शादी में कोई चेंज आ सकता है, एंड देन फाइनली आपको ऐसी कोई चीज मिल सकती है जिसकी आप बहुत टाइम से इच्छा कर रहे थे, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे एंड देन आपको वो रिटर्न मिले प्रेगनेंसी, बट उसके बाद भी चैलेंजेस आपके बरकरार रहे क्योंकि प्रेगनेंसी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, ऐसी कोई चीज है। न्यूज इज ऑन द वे, प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है। जो लोग मैरिड नहीं है, सिंगल है, रिलेशनशिप में है, जैसे भी है, उनकी शादी हो सकती है, शादी की बातचीत स्टार्ट हो सकती है, लड़का लड़की को देखने का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, शादी की कोई सालगिरह, एनिवर्सरी फॉल हो सकती है, आ सकती है नेक्स्ट 10 डेज में, वैसी भी कोई वाइब है। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है। लेटर जी, लेटर एस, लेटर डब्ल्यू, लेटर एफ, देखिएगा अगर कुछ रेजोनेट करता है इन लेटर्स से तो। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है,
चीजें ऐसे जल्दी से चेंज होंगी आपके लिए, तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा उन चेंजेस के लिए। आप में से कई लोगों के पास कैट हो सकती है, स्पेस का बहुत आपको वो कहते हैं ना, आपको ज्यादा क्लिंगी होना पसंद नहीं है, चिपकना पसंद नहीं है, आपको आपकी अपनी स्पेस पसंद है, थोड़ा दूर दूर रहो, थोड़ा स्पेस रखो, मी टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है, तो वैसी वाली चीज है। या फिर हो सकता है आपका ऑफिस घर में आपको कहीं पे स्पेस ना दी जा रही हो, आपको जगह कम पड़ रही हो, आपके पास जगह नहीं है इनफ रहने के लिए या काम करने के लिए, और थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है आपके लिए, वैसा भी कुछ हो सकता है। बट यस, मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। टॉरस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करें वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।